मुझे तो लगता है हम लोग खो गए ब्रो। हमारा प्रेम भाई ओए आराम से पकड़ा भाई की खबर ओए केला नीलिम नीलिम मोर हो गुम तो बंद कर देना मलाई अब तो ना भनिक ने इसको चिल्लाऊंगा अंदर अरे ये हमला करने के लिए रेडी तो नहीं हो रहा ना। रात 9 बजे से हम लोग रोड में खड़ा था आपके लिए, मतलब नहीं मिला। हे गाइस, राम राम भाई सारे ने। आज हमारे भारत में सभी लोग खुश होने वाले हैं, बिकॉज आज है 22 जनवरी एंड अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। फाइनली 500 साल बाद, हजारों करोड़ों साल बाद हमारे राम जी आएंगे। एंड जो कोई भी अयोध्या राम मंदिर पे दर्शन करने के लिए गए हैं, आई होप कि सभी के दर्शन अच्छी तरीके से हो पाए। तो हम तो जा ही नहीं पाए बिकॉज हम बीमार भी हो गए थे एंड 2 दिन तो मैं बीमार से लथपथ था गाइस। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। आप लोग ने प्रे किया तो अपना भाई बहुत जल्दी रेडी हो गया। आज जस्ट अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ बिकॉज आज राम मंदिर जो वहाँ पे ओपनिंग हो रहा है अयोध्या में, तो हम तो जा नहीं पाए, बट हम यहीं से हम प्रभु जी का दर्शन करेंगे। एज ए इंसान भगवान ना आप ढूंढोगे ना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, यानी कि भगवान आपके दिल पे ही मिल जाएगा। तो हम यहीं पे हमारे लोकल यहाँ पे रैली होगा, राम जी का शाम को पूजा होगा, तो हम वहीं जाके प्रभु जी के दर्शन करेंगे। हम और रॉकी जाने वाले हैं एंड हमारे जितने भी सारे भारत से ये ब्लॉग देख रहे हैं ना गाइस, तो सभी लोग दिल से कमेंट में जय श्री राम लिख देना एंड जय श्री राम के नारे आज पूरे हिंदुस्तान में गूंजने वाला है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो दिल से कहो कमेंट में जय श्री राम एंड आई होप कि आज सभी आपका दिन शुभ जाए। और गाइस, तो ये मेरा लास्ट आसाम का टूवर्ड्स घर वाला ब्लॉग है, आप लोग प्लीज़ देखेगा, बिकॉज मैं कल परसों बीमार था तो ब्लॉग नहीं बना पाया ना, तो इसीलिए ये थोड़ा सा बचा कुचा था। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा एंड कल से हम ये अपना आज का ये राम रैली वाला ब्लॉग आएगा, तो जाके देखेगा। जय श्री राम। Hey guys, no culprit, no drama, only rock lama. Good morning from Kaziranga. कल नागालैंड से हम लोग काजीरंगा पहुंच गए थे रात को एंड मस्त हम लोग यहाँ पे सो गए एंड अभी फिर अभी सुबह के 6-6 बजे हम निकल रहे हैं एक और सपना पूरा करने के लिए, कहाँ? जंगल सफारी। ओके गाइस, वेलकम टू द जंगल एंड एंट्री होते ही सामने हमें कौन मिला है गाइस? मिले हमारे एलिफेंट चाचा से, वो देखो। ओके, वो देखो बुम बुम से कर रहा है गाइस, सुबह सुबह ही अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मां गाइस, हिरन देख सकते हैं यहाँ पे, अभी क्या खा रहे, उसका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है ना। हॉक दिया गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आसामीज तामुल, लेट्स ट्राई। राइनो है गाइस, राइनो। गाइस ओ राइनो, वेट वेट वेट, हेलो राइनो जी, क्या कर रहे हो जंगल के अंदर अकेले? नजारे, ए ये हमला करने के लिए रेडी तो नहीं हो रहा ना। ऑलराइट गाइस, जंगल सफारी करके वापस रूम आ चुके हैं। अभी हम सबके बाइक में अपना सामान लगाना है, उसके बाद काजीरंगा से आज हम लोग का सफर है वहाँ पे बोके गांव, जो कि है 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे सारे राइडर्स अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में है पूरी आलू। आप तो अरुणाचल के है ना? तो परफेक्ट, फ्री का ठीक हो गया। खोखला आगे का सामने आती जी, देखो इतना करीब जिंदा गया फर्स्ट टाइम। हेलो हेलो सैया भैया, ये कॉन्टिनेंटल देखो ना, मैंने चलाया था ये वाला बाइक, कॉन्फिडेंस ही नहीं आया मेरे को। गाइस, हम तो सिलगुड़ी के रोंगटंग के रास्ते पे आ गए, ऐसा फील हो रखा है, देखो सेम टू सेम ऐसे रास्ता है ना। अरे यार, मुझे ना मेघालय अरुणाचल भी जाना था, बट वो सब हमारे ये रास्तों पे नहीं आया ना, तो कोई ना नेक्स्ट टाइम। अभी तो हम लोग तेजपुर के रास्ता होकर गुवाहाटी नहीं घुसेंगे, हम लोग सीधा शॉर्टकट रास्ता मार के हम लोग बोके गांव पहुंचेंगे। गाइस, अभी हम लोग असम के डेंगाबस्ती के यहाँ रुके हैं, बिकॉज हमें कुछ कुछ सामान लेना था यहाँ पे, ये सारे के सारे असम के बेम्बो क्राफ्ट से। तो यहाँ पे भैया लोग कुछ कुछ ले रहे हैं। ये मैं तेरा शादी में गिफ्ट लेके आएगा, इसमें माल लेके आएगा, माल 500-500 का गड्डी, ठीक है शादी में। थैंक यू सो मच, खरीदा है जब शादी होगा तब लेके आएगा, पक्का लेके, हम वेट करेंगे। ये असम का टोपी है गाइस, ये देख सकते हैं, एक असमी डांस हो जाएगा। मुरुंग खुरुंग खे ना हे नाना हे, नीलिम नीलिम मोर हो गुम, अखुम अखुम चखुम सलोटी चखुम, जॉय आयो होम दोस्तों। हां बढ़िया बात है,
लेडी राइडर हेलो जय आई होम नाइस टू मीट यू। मैंने देखा आपके उसमें गोप्रो लगा हुआ है तो सोचा बात कर ले बिकॉज यूट्यूबर यूट्यूबर एक होना चाहिए ना। हाँ ये सिक्किम से है। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ये यहाँ पे लगाया है नाम। ओके तो हमारे यहाँ पे लेडी राइडर मिल चुकी है जिसका यूट्यूब चैनल नाम है जिया रानी बोरो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना एंड सिस्टर को सपोर्ट कर देना। एक्सक्यूज मी मेरा भी है यूट्यूब में रॉक लामा, छोटा मोटा ब्लॉग करता हूँ। हाँ पहचाना मेरे को जी? आप नेपाल से है ना? नेपाल से नहीं, मैं वेस्ट बंगाल जयगांव से हूँ। नेपाल भी गया था ना? जी नेपाल गया था। वीडियो देखा था। ओ ए आपका दोस्त ना वो धोखा दिया ऐसा बोल के तो वीडियो दिया था ना? हाँ अरे गाइस मुझे लगा मैं तो ऐसे बात करने आया था, हमको पहचानती है रियली, थैंक यू सो मच। ये जगह कौन सा है? ये रोहता रोहता रोहता। ओके हम लोग उधर जा रहे हैं, क्या बोलता है उसको, बोके गाँव। बोके गाँव बोकाई गाँव या। हेलो जिया जी, नाइस टू मीट यू। आप आसाम से है? जय आई होम। थोड़ा आसामिस लैंग्वेज में बात करेंगे? मेरे को भी आसामिस थोड़ा थोड़ा ही आता है लेकिन मैं बोरो हूँ ना। बोरो फिर भी आपका कुछ भी लैंग्वेज? मा खबर गाइस आं लामे होय लगे मोंदों यो होय रक लामा बियो जाबाय रोटा रोड आरो ना। मैंने अपना लैंग्वेज थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं समझ तो नहीं आया बट आपने अच्छा ही बोला। मीट कर लिया मतलब रास्ता में मिला है। अच्छा अभी ये रास्ता है क्या? रोटा रोड बोला मैंने। ओके ओके ठीक है फिर मिलते हैं कभी किसी रास्ते पर। ओके आसाम कहीं से भी आप देख रहे हैं ना, आसाम का एक लैंग्वेज में ना एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड उसको ना इंग्लिश में ट्रांसफर भी कर देना ना दोस्तों हम देखेगा ना। ठीक है यही रास्ता है ना? दिखा लोकेशन तो यही दिखा रहा है बट एक्चुअली हमारा ग्रुप था ना गाइस वो बहुत आगे निकल गया और ये रास्ता देखो ना ऑफ रोडिंग आ गया। बस हम लोग खो ना जाए, भूख लग गया गाइस, खाना खाने का टाइम हो गया, कितना 1 बज गया है। मजा तो आता भाई एडवेंचर बाइक में। ओए उड़िया भाई उड़िया आराम ले। ये देखो आसाम की खूबसूरती, चारों तरफ खेती बाड़ी भाई। अरे पपी अरे छोटा मियाँ क्या कर रहा है यहाँ पे, जा मम्मी के पास जा। ओए ओए हट ओए जय आखम बाय बाय पपी। ओए ये रास्ता सही तो है ना भाई? मुझे तो लगता है हम लोग खो गए ब्रो, ये रास्ता आई थिंक नहीं है। ओए 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 अब भी जाने वाला था मैं, कितना मिट्टी है देखो ना। ओए आराम ले ओए भाई क्या क्या ओए माँ का ओए आराम से पकड़ा भाई। ओए ओबी माँ रास्ता ओए केला एटा की भाई मेरा बाइक का आधा टायर पूरा मिट्टी के अंदर घुस रहा है। ओए माँ का सॉरी सॉरी सॉरी। बैटरी छैन जो जो हुन आँटेछ मेरो बाट गर्छु कसरी यो बन्द लेख्नु त मैले त्यही त लेखेछ यो के हो बो बो बोरी गाउँ हो यो। अब हमारे सारे राइडर्स कहाँ है आई डोंट नो, हम और भाई अकेले एक आई डोंट नो वो जगह पे कौन सा है। अरे यही रास्ता है वो आ गया। ए ए चलो अब साथ साथ चलते हैं। पिछले 100 किलोमीटर से खाना नहीं मिला गाइस, आई होप कि आगे मिल जाए। फाइनली गाइस हम लोग का खाना आ चुका है और आज मैं आसामीज खाना के साथ नागालैंड का ये राजा खुर्सानी खाने वाला हूँ, 2 ठो वो भी एंड देखते हैं क्या होगा मेरा हालत। इसको हल्के में मत लेना, गांड में आग लग जाएगा, गांड में आग लग जाएगा। बात तो सही बोलो, वो भी सुबह सुबह जब निकलेगा। हाँ गाइस राजा चिल्ली बस ये छोटा सा ही खाया था। दाल का टेस्ट कैसा है? दाल का टेस्ट बहुत बढ़िया, मैंने 2 दाल खा लिया। गुड जॉब। खाना खा के ऐसा लग रहा है कि मेरा दूसरा जन्म हो गया भाई, अभी मैं फुल एक्टिव हूँ गाइस।
अब थोड़ी देर में रात हो जाएगा और ठंड बढ़ने लगी है। मैंने ना विंडशील्ड नहीं लाया ना, तो राइडिंग जैकेट ही खाली लगाया हूँ। बहुत ठंड हवा आ रखा है यार छाती पर। ओके गाइस, देखते देखते रात हो गई है एंड अभी ना बारिश आ रखा है और हम लोग थोड़ा बहुत भीग चुके हैं और यहाँ से 110 किलोमीटर है भोगेगा हूँ। लो और एक कांड हो गया गाइस, टायर ही पंचर हो गया। अच्छा यार पंचर, तूने ट्यूब का पंचर नहीं, तूने ट्यूब का पूरा एल मार दिया है, जी मार दिया, जी कैसे करके मारा पैक पैक पैक। ये ट्यूब देखो पूरा यहाँ से फट गया, ये अब इसका कुछ काम ही नहीं है। नया ट्यूब लगा रहा है अभी यहाँ पे, और वो बनने के बाद निकलते सारे ग्रुप्स ना आगे निकल गए हैं। ये नया ट्यूब अब बना के यहाँ पे लगाने के बाद, वहाँ पे लगाने के बाद निकलना है हम लोग को। गाइज आई कांट बिलीव, बार बार एल लग रहा है हम लोग का। अभी हमारा वाला ट्यूब तो खत्म हो गया ना, तो नया ट्यूब भाई यहाँ पे हवा भर के क्या कर रहे थे, ब्लास्ट हो गया ट्यूब। ये देखो अब क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे फिर। तो फिर ये वाला ट्यूब ब्लास्ट क्यों किया, फिटिंग? अच्छा फिटिंग सही से नहीं हुआ होगा, चलो लगाओ फिर दूसरा। बाइक बन चुका है तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, बारिश भी आ रखा है, मेरा तबीयत खराब हो रहा है यार। बैठ जा बैठ। सो एक स्नो किलोमीटर रामा अनिल रॉक लामा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम असम बोंगेगांव, जो कि हम कल रात को 10 बजे पहुंचे थे शिव सागर से। बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गया था, आते खाना वाना खा के हम मस्त यहाँ पे सो गए। तो आज हम लोग को पहुंचना है घर। आज का ड्रेस अब देख सकते हैं, चिकना लग रहा हूँ ना, सच बताऊँ तो कल बहुत ज्यादा हालत खराब हुआ था गाइस, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हूँ बिकॉज मस्त सो लिया ना। और गाइस मिल गया हमारे बोंगेगांव से कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग आए थे। हेलो कैसे हो, एकदम बढ़िया हो ना? हेलो एकदम बढ़िया हूँ यार, थैंक यू सो मच आने के लिए, मिलने के लिए। ठीक है, हमारे ये ट्रेडिशनल गमछा है। हाँ हाँ जरूर श्योर, थैंक यू सो मच। जय आखो जय आखो कांची तिम्रो रैक 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 रैक। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और ढेर सारा प्यार देना। कल रात भर मैं सोया नहीं भैया से मिलने के, शायद मैं बिना सोए भी आ सकता था पर सोना पड़ा ही क्योंकि एग्जाम देके आया था। रात 9 बजे से हम लोग रोड में खड़ा था आपके लिए, मतलब नहीं मिला, मतलब ठीक देर हो गया, आज सुबह सुबह आ गए हम लोग यहाँ पर मिलने। अभी तो हम ग्रुप के साथ आए ना, हम वापस आएंगे स्पेशली फॉर मीटअप के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा होगा। हाँ क्योंकि उस दिन इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वेलकम किया ना इंस्टाग्राम पे, आसम तो इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा है, तो सबसे मिलने के लिए हम फिर वापस आएंगे। ठीक है एकदम, थैंक यू सो मच, देर सर आप यस गाइस। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हमारे आधे राइडर्स निकल रहे हैं एंड हम लोग तो वही सिलगुड़ी जा रहे हैं। सिर्फ जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा घिसता है वो बैठा हुआ जाता है। हाँ राइडिंग वाला, देखो दो जन खा के इतना प्लेट कर दिया, अभी भी खा रहा है। सब लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, अपन लोग जा रहे हैं थार पे गाइस, थार पे, जो कि हम भी एक दिन लेने वाले हैं। ठीक है चलो चले घर की तरफ, सिलगुड़ी गाइस लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिंट लेमन और उसके साथ है ये है हनी। ये कैसा चिया है रे, हम तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला है दोस्तों। ये है हनी लैब पे पा रहे से रे। अरे यार छोड़। हाँ एक्चुअली ये हेल्दी है, ये खाने से आपको फ्रेश फील होगा, बट मैं नहीं खाता हूँ ना। हमारा बड़ा भाई आया है हमारे बैग लेने के लिए, और साथ ही साथ कौन है ये, हमारा प्रेम भाई। क्या मना से एकदम भालो है से किन किया से एकदम भालो की करे से की खबर एकदम भालो से हाल से गोविला मंसु खाइसे बम्बू सूट खाइसे। हां एक्चुअली हमारा प्रेम भाई नागालैंड में पिछले कितना 5 साल रहा छोटा में, इसलिए हम गए ना मोकोकचंग गया था भाई, मोकोकचंग गया था, मिला था हम तेरे गर्लफ्रेंड से। मिला? हां वेरी गुड। क्या बोला बोला कि गोरिल्ला मांस खाए से। ए ए